तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज के वीडियो में हम यहाँ पर स्लो पास करेंगे, हिल पर स्लो पास करेंगे। थोड़ा उधर देखो, थोड़ा उधर देखे, थोड़ा यहाँ पर चढ़ाई की जगह है। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर से हम स्पीड से जाएंगे, फिर उसके बाद आगे हम स्लो जॉगिंग करके जाएंगे, फिर उसके बाद चढ़ाई पर फास्ट चढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों आपके लेग जब बढ़ते हैं, आप रनिंग करते हो तो आपके पैर बढ़ते हैं। अगर आप 16 मीटर करते हैं, उसके बाद अगर आप 1 किलोमीटर करते हैं, अब अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं तो आपके लेग में एक तो स्ट्रेंथ नहीं होती, आपके पैर बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, लेग इंट्रोस बढ़ाने के लिए हम आज स्लो पास करेंगे, चढ़ाई पर स्लो पास करेंगे। और आपको दोस्तों 10 मिनट स्लो पास करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, 5 मिनट रेस्ट लेना है 10 मिनट करने के बाद, फिर उसके बाद 10 मिनट करना है। और ऐसी चढ़ाई की जगह कम से कम 200 मीटर होनी चाहिए, 150 मीटर से लेकर 200 मीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर 200 मीटर तक यहाँ पर हिल है, यहाँ पर हम करेंगे। तो किस तरह से सभी यहाँ पर एकेडमी के सभी स्टूडेंट हैं तो कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने स्लो फास्ट किस तरह से किया हिल पर। आपको 200 मीटर फास्ट जाना है 80% एफर्ट से, और वापस आते समय स्लो जॉगिंग करके आना है। अभी हमारे सभी लड़कों ने, आपने देखा होगा, सिर्फ से फास्ट लगाया उसके बाद स्लो वापस आ गए। ऐसे आपको दोस्तों 10 मिनट स्लो फास्ट करना है, फिर उसके बाद 5 मिनट रेस्ट लेना है, फिर उसके बाद 10 मिनट करना है। इस तरह से एक्सरसाइज करो, स्लो फास्ट करो, आपका लेग एंड्योरेंस, आपके पैर कभी नहीं थकेंगे। और आप 16 मीटर हो, लड़कियों के लिए 800 मीटर हो, 1 किलोमीटर हो, जो मिड डिस्टेंस रहने हैं उसके लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है। वीक में एक बार इस तरह से आप जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।